Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 4th June 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download May 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about SDG index of India. And this topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view. तो इस आर्टिकल को समझने के लिए एक बार ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं कि क्या होते हैं SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. तो दीज आर द सेट ऑफ 17 गोल्स दैट हैव बीन कलेक्टिवली डिसाइडेड एट यूनाइटेड नेशंस इन 2015. तो यूनाइटेड नेशन के जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उन्होंने मिल करके खुद के लिए 17 गोल्स आइडेंटिफाई किए हैं जिनको वो अचीव करेंगे बाय 2030. और ये 17 गोल्स हैं, उनके भी अपने अपने नंबर्स हैं. गोल नंबर 1 इज नो पॉवर्टी, गोल 2 जीरो हंगर, गोल 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग, गोल 4 क्वालिटी एजुकेशन, गोल 5 जेंडर इक्वालिटी, गोल 6 क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, गोल 7 अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, गोल 8 डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, गोल 9 इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, गोल 10 रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, गोल 11 सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, गोल 12 रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, गोल 13 क्लाइमेट एक्शन, गोल 14 लाइफ अंडर वाटर, गोल 15 लाइफ ऑन लैंड, गोल 16 प्लेस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, पीस एंड जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, गोल 17 पार्टनरशिप्स एंड गोल्स. ये मैंने जानबूझ करके सारे के सारे गोल्स एक बार पढ़ के आपको बताए हैं, क्योंकि इनमें से कुछ भी आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि गोल नंबर 10 ऑफ SDG बताओ क्या है, और चार ऑप्शन दे देगा. इस तरह का सवाल ऑलरेडी जो पिछला APSC का कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम हुआ था उसमें पूछा है उन्होंने. मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपको वो सवाल दूंगा. तो मुद्दा ये है कि ये सब के सब आपको एज इट इज रटने हैं विद गोल नंबर्स. तो ये हैं 17 गोल्स जो यूनाइटेड नेशंस प्लेटफॉर्म पे सारे मेंबर कंट्रीज ने मिल करके खुद के लिए एक सेट किया है, एंड दैट हैज़ टू बी अचीव्ड बाई 2030. और इस गोल को अचीव करने में यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, वो मदद करेगी दुनिया के मेंबर कंट्रीज़ को, खासकर जो गरीब देश हैं अफ्रीका के, एशिया के या साउथ अमेरिका को, उनकी मदद करेगी इन गोल्स को अचीव करने में. अब करंट न्यूज़ पे आते हैं. तो देखिए, नीति आयोग ने हमारे देश के अंदर पब्लिश किया है इंडेक्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2020. और ये जो इंडेक्स है ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वो 2018 से पब्लिश कर रही है नीति आयोग. तो ये तीसरा इंडेक्स है या तीसरा एडिशन है नीति आयोग का ऑफ SDG गोल इंडेक्स. 2018 में पहली बार आया, 19 में दूसरी बार आया, और 2020 के लिए तीसरी बार आया है. अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये नीति आयोग SDG इंडेक्स है क्या. तो ध्यान से समझिए, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तो हमने यूनाइटेड नेशन प्लेटफॉर्म पे खुद के लिए एस्टैब्लिश कर लिया कि ये गोल्स हम अचीव करेंगे, इन 17 गोल्स को हम अचीव करेंगे. अब इन गोल्स को अचीव करने के लिए हमारे देश के अंदर अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज किस तरह से काम कर रहे हैं, कौन से गोल को अचीव करने में कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी कितनी सक्सेसफुल हुई है, उसका पूरा का पूरा परफॉर्मेंस इंडिकेटर के लिए SDG इंडेक्स पब्लिश करती है नीति आयोग हर साल. देखिए, अब 2030 में तो जाकर के देखेंगे नहीं कि कौन कौन से स्टेट्स ने क्या अचीव किया, कहाँ लैग कर गए. तो हर साल नीति आयोग ये SDG इंडेक्स पब्लिश करके अलग अलग स्टेट्स को बताती है कि इन इन एरियाज़ में, इन 17 गोल्स में से इन इन एरियाज़ में आप पीछे हैं, इन एरियाज़ में आगे हैं. तो इस पर्पस से ये SDG इंडेक्स पब्लिश करती है नीति आयोग हमारे देश के अंदर, ताकि हर एक स्टेट्स की अपनी परफॉर्मेंस पता चल सके, यूनियन टेरिटरीज की परफॉर्मेंस पता चल सके विथ रिस्पेक्ट टू देयर SDG गोल्स अचीवमेंट. और इसमें SDG गोल्स अचीवमेंट के लिए हर स्टेट को और यूनियन टेरिटरी को स्कोर दिया जाता है बिटवीन 0 to 100. और जो स्टेट या यूनियन टेरिटरी 100 से ज़्यादा नज़दीक है, आप समझ लीजिए कि वो उतना बेहतर परफॉर्म कर रहा है. तो अलग अलग
जोन में बांटा गया है, जिस स्टेट या यूनियन टेरिटरी का परफॉर्मेंस 0 to 49 होगा उसको बोला गया कि एस्पिरेंट स्टेट होगा, 50 to 64 होगा उसको परफॉर्मर बोला जाएगा, फ्रंट रनर 65 to 99 और अचीवर कहा जाएगा अगर उसका स्कोर 100 हो जाए। एग्जैक्ट 100 होने का मतलब है कि जो भी SDG गोल्स हैं वो सारे के सारे गोल्स उस स्टेट ने या यूनियन टेरिटरी ने अचीव कर लिए हैं पूरी तरह से। तो अब जरा देखते हैं नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2020 के हिसाब से कौन से स्टेट्स अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, कौन खराब परफॉर्म कर रही हैं। तो जो टॉप 5 परफॉर्मर स्टेट्स हैं उसमें सबसे ऊपर है केरला, और केरला पिछले दो सालों से लगातार टॉप पे रहा है, उसकी स्कोर है 75। फिर दूसरे नंबर पे हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु दोनों कंबाइंड रूप से विद स्कोर ऑफ 74। अगर वर्स्ट परफॉर्मर की बात की जाए तो बिहार है सबसे पीछे विद स्कोर ऑफ 52, फिर है झारखंड विद स्कोर ऑफ 56 और तीसरे नंबर पे आसाम विद स्कोर ऑफ 57। तो ये APSC एस्पिरेंट्स को याद रखना है कि आसाम हमारा स्टेट थर्ड वर्स्ट परफॉर्मर है आफ्टर बिहार एंड झारखंड, और आसाम का टोटल स्कोर SDG स्कोर है 57 विच इज मच लेसर देन ओवरऑल इंडियाज एवरेज। इंडिया का ओवरऑल एवरेज SDG का 66 जबकि आसाम का एवरेज है 57। तो यहाँ पे हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। APSC में से रिलेटेड सीधा सीधा सवाल पूछ लिया जाएगा। तो ये हो गए टॉप 5 बेस्ट परफॉर्मर, टॉप 5 वर्स्ट परफॉर्मर्स। अगर ऐसे स्टेट्स की बात की जाए जिन्होंने बहुत इंप्रूवमेंट दिखाया है पिछले साल की तुलना में, तो सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट खाने वाले दो स्टेट्स हैं मिजोरम और हरियाणा, दे हैव सोन बिगेस्ट इंप्रूवमेंट्स। ये डायग्राम को आप देख करके आप पता लगा सकते हैं कि हमारे स्टेट्स, हमारे इंडिया के अंदर कौन कौन से स्टेट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इन अचीवमेंट ऑफ SDG गोल्स। तो आपको पता चलेगा कि साउथ इंडियन स्टेट्स ज्यादातर गुड परफॉर्मर्स हैं, जबकि सेंट्रल इंडिया के या नॉर्थ इंडिया के जो स्टेट्स हैं दे आर बैड परफॉर्मर्स, उसमें भी बिहार झारखंड तो वर्स्ट परफॉर्मर्स हैं। साउथ इंडिया के अच्छे हैं, उसके अलावा कुछ हिली स्टेट्स अच्छे हैं जैसे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, और नॉर्थ ईस्ट के अंदर बात की जाए तो सिक्किम और मिजोरम रिलेटिवली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आसाम का परफॉर्मेंस नॉर्थ ईस्ट में सबसे ख़राब है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। अब जिस सवाल का मैं जिक्र कर रहा था कि लास्ट एग्ज़ाम में APSC के प्रीलिम्स एग्ज़ाम में उन्होंने पूछा था, वो ये सवाल है। इस सवाल को आप अटेम्प्ट कीजिए, सीधा सीधा उन्होंने इस SDG गोल्स के बेसिस पे सवाल पूछ लिया था, तो आने वाले टाइम में भी पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। The next article is taken from international segment. It is about implications of the US pullout from Afghanistan. And this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. तो देखिए US is pulling out of Afghanistan. ये article तो हमने कई दफ़ा डिस्कस कर रखा है। ये कितनी बार मैंने आपको बताया है कि नाउ US has decided to pull out of Afghanistan, उसकी पूरी बैकग्राउंड भी बताई है कि कैसे 9/11/2001 अटैक के बाद US forces entered into Afghanistan with a motive to remove Taliban completely and establish a democratically elected government। लेकिन अब जब 20 साल पूरे हो गए हैं और तालिबान अभी तक वो ख़त्म नहीं कर पाए हैं, सो नाउ स्लोली द US गवर्नमेंट इज़ पुलिंग इट्स फोर्सेज आउट ऑफ अफगानिस्तान, क्योंकि वहाँ की जो लोग हैं US के दे डोंट want their forces to remain in Afghanistan, क्योंकि ये monetarily भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहा है, उसके अलावा कई सारे US soldiers की casualties होती रहती है। तो इस कारण से now American सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि अपने forces को पूरी तरह से अफगानिस्तान से बाहर बुला लीजिए। और इसी purpose से पिछले जो उनके प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव जालमे खालिलजाद को अपॉइंट किया था इन ऑर्डर टू नेगोशिएट सम पीस डील विद तालिबान, ताकि अमेरिकी सोल्जर्स पूरी तरह से अफगानिस्तान से बाहर बुलाए जा सके। और फिर इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते हुए जो बिडेन ने, जो मौजूदा US प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि आने वाले 11 सितंबर 2021 को अमेरिकी सोल्जर्स पूरी तरह से अफगानिस्तान से बाहर बुला लिए जाएंगे। ये जो आने वाला 11 सितंबर होगा दैट विल बी 20th anniversary ऑफ 9/11 अटैक ऑन US। तो अभी जो 2500 से लेकर के 3500 तक जो US सोल्जर्स हैं अफगानिस्तान में, उनको पूरी तरह से आने वाले 11 सितंबर तक वापस अमेरिका बुला लिया जाएगा। तो ये सब तो मैंने कई दफ़ा आपके साथ डिस्कस किया है कि US इज़ पुलिंग आउट ऑफ अफगानिस्तान। इनफैक्ट ये जो कुछ भी है ये जस्ट एक रिवीजन है, हमने 4-5 बार तो पहले भी डिस्कस किया है। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया है कि अब US के पुल आउट होने से इंडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता है,
क्योंकि इंडिया के अंदर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बढ़ सकती है। ये जो इक्वेशंस हैं अफगानिस्तान को लेकर के, ये मैंने पहले भी कई दफ़ा बताया है कि पाकिस्तान की खासकर जो इंटेलिजेंस एजेंसी है ISI या आर्मी, उसके क्लोज कोऑर्डिनेशन है तालिबान के साथ, और तालिबान की मदद से वो इंडिया के अंदर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म प्रमोट कराता है खासकर जम्मू एंड कश्मीर में। और यही कारण है कि भारत सरकार अपना पूरा का पूरा सपोर्ट देती है अफगानिस्तान की सरकार को, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो सरकार है अफगानिस्तान की, ताकि उनकी मदद से इंडिया हमेशा होप करता रहा है कि तालिबान को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन अब US इज पुलिंग आउट ऑफ अफगानिस्तान और US ने पीस नेगोशिएशन भी करना शुरू कर दिया तालिबान के साथ, तो मोर ऑर लेस इट इज क्लियर दैट तालिबान विल हैव सम पावर्स इन अफगानिस्तान वंस US पुल्स आउट ऑफ अफगानिस्तान। तो इससे फिर इंडिया के लिए कई सारे एप्रिहेंशंस बढ़ गए हैं, खतरे बढ़ गए हैं कि अब जब तालिबान वहाँ पे पूरी तरह से फिर से पावरफुल हो जाएगा, अमेरिकी सोल्जर्स नहीं रहेंगे, तो पाकिस्तान की जो ISI है वो तालिबान की मदद से इंडिया के अंदर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और भी बढ़ा सकती है। उसके अलावा अफगानिस्तान सरकार अब और कमज़ोर हो जाएगी और पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान पे और बढ़ सकता है, और इस पाकिस्तान के थ्रू चाइना का भी इन्फ्लुएंस और ज़्यादा पाकिस्तान अफगानिस्तान में बढ़ सकता है, क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर तो ऑलरेडी फंक्शनल इस एरिया में, वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अफगानिस्तान तक भी एक्सपेंड हो सकता है, क्योंकि ईरान तो ऑलरेडी प्रो चाइना है, तो एक तरफ पाकिस्तान प्रो चाइना है, दूसरी तरफ ईरान प्रो चाइना है, तो नेचुरली अफगानिस्तान ऑल्सो मे बिकम प्रो चाइना और इंडिया के लिए बहुत बड़ा लॉस होगा। सो ओवरऑल US का पुल आउट, अभी तक तो हमने यही पढ़ा है कि US का पुल आउट फ्रॉम अफगानिस्तान इज ए काइंड ऑफ एडवांटेज टू पाकिस्तान, लेकिन इस आर्टिकल में थोड़े से अलग आइडियाज दिए गए हैं और ये बहुत जरूरी हैं, क्योंकि देखिए जो कॉमन आइडियाज होते हैं ये तो सब जानते हैं और सब लिखेंगे कि US जब अफगानिस्तान से निकल जाएगा तो पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, क्योंकि पाकिस्तान का डायरेक्ट कंट्रोल है या आप समझिए इंटरेक्शन है आप वहाँ के तालिबान के साथ, तो ये तो सब लिखेंगे, सारे स्टूडेंट्स लिखेंगे एग्जाम में। लेकिन अगर आप थोड़ा सा डिफरेंट आइडियाज लिख पाएं तो आप एग्जामिनर को बता सकते हैं कि यू हैव सम इंट्रिकेट नॉलेज अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस। तो देखिए इस आर्टिकल की मदद से थोड़ा सा और इंट्रिकेट नॉलेज निकालते हैं। इस आर्टिकल में जो सी राजा मोहन जी ने लिखा है वो कहते हैं कि पाकिस्तान को कुछ नुकसान भी उठाना पड़ सकता है फ्रॉम US पुल आउट फ्रॉम अफगानिस्तान, देयर विल बी सम चैलेंजेज ऑल्सो फॉर पाकिस्तान। तो क्या चैलेंजेज हो सकते हैं वो जरा देखते हैं। पाकिस्तान विल लूज इट्स स्ट्रैटेजिक डेप्थ इन अफगानिस्तान, इट्स स्ट्रैटेजिक डेप्थ इन अफगानिस्तान विल बी लॉस्ट। अब ये क्या चीज है ये समझिए। देखिए दुनिया जानती है कि पाकिस्तान, दुनिया के जो भी मेजर कंट्रीज हैं जैसे कि US या चाइना, वो सब जानते हैं कि पाकिस्तान का बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस है अफगानिस्तान के ऊपर, मेनली बिकॉज ऑफ टू रीजंस। एक तो पाकिस्तान इसका नेबर कंट्री है, अफगानिस्तान के बिल्कुल पास में है, उसके अलावा तालिबान को की एक क्लोज कोऑर्डिनेशन रही है ISI के साथ बिकॉज ऑफ कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स। आपको तो पूरी हिस्ट्री आई होप पता होगी, मैंने तो कई दफ़ा पहले बताया इसलिए वो पूरी हिस्ट्री में नहीं जा रहा हूँ, कि जब कोल्ड वॉर टाइम था उस टाइम में जब USSR ने इन्वेड किया अफगानिस्तान पे, तो उस टाइम में फिर जो मुजाहिदीन्स थे पश्तूनस ऑफ दिस एरिया, जो ट्राइबल ग्रुप है इस एरिया का पश्तून, उनको फिर ट्रेनिंग दी आर्म्ड इंसर्जेंसी के लिए पाकिस्तान ने, और ये ट्रेनिंग दिलवाया पाकिस्तान के थ्रू इन पश्तूनस को US ने, तो US की मदद से पाकिस्तान ने डेवलप किया है इन मुजाहिदीन्स को जो बाद में तालिबान कहे गए। तो मुद्दा यह है कि एवरीवन नोज दैट तालिबान इज क्लोज कोऑर्डिनेशन, तालिबान इज इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विथ ISI। तो इस कारण से अब जब US अफगानिस्तान से निकलना चाह रहा था एंड दैट टू आफ्टर हैविंग पीस डील विथ तालिबान, तो पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस बढ़ गई थी, क्योंकि पाकिस्तान ही एक ऐसा देश था जो तालिबान के साथ पीस डील अमेरिका का साइन करवा सकता था। तो दैट वाज स्ट्रैटेजिक डेप्थ ऑफ पाकिस्तान इन अफगानिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की मदद से अमेरिका उम्मीद कर रहा था कि वो तालिबान के साथ एक पीस डील साइन कर लेगा, और इस कारण से पाकिस्तान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देश था एज फार एज पीस इन अफगानिस्तान इज कंसर्न, और इस कारण से US के लिए पाकिस्तान काफी स्ट्रेटजिकली सिग्निफिकेंट था, और चाइना कभी भी नहीं चाहता था कि प्रो US गवर्नमेंट आए, चाइना कभी नहीं चाहता था कि ऐसा कोई भी सिस्टम बने अफगानिस्तान के अंदर जो कम्प्लीटली प्रो US हो। इस कारण से चाइना के लिए भी पाकिस्तान का इंपॉर्टेंस बना हुआ था, चाइना पाकिस्तान को कहता था कि भाई ऐसी सरकार बनवाओ जो हमारा भी ख्याल रखे। आपको मैं एकदम सरल भाषा में समझा रहा हूँ। तो मुद्दा यह है कि पाकिस्तान के कॉन्टैक्ट्स थे अफगानिस्तान में, और इस कारण से अमेरिका और चाइना दोनों इसको भाव देते थे। ठीक
ठीक है, उसके लिए टेक्निकल टर्म्स है दैट पाकिस्तान हैड स्ट्रैटेजिक डेप्थ इन अफगानिस्तान एंड दैट इज वाई पाकिस्तान हैड अ बार्गेनिंग पावर अगेंस्ट यूएस एंड चाइना बोथ एज फार एज पीस इन अफगानिस्तान इज कंसर्न्ड। लेकिन अब यूएस हैज डिसाइडेड टू पुल आउट। तो देखिए, पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस क्यों था अफगानिस्तान के ऊपर? बिकॉज आई टोल्ड यू ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी, नज़दीक है बिल्कुल, और उसके अलावा क्लोज लिंक्स बिटवीन आईएसआई एंड तालिबान। लेकिन अब द यूएस हैज डिसाइडेड टू पुल आउट कि भाई हम बाहर जा रहे हैं। जो बिडेन है तो ये इनका स्टैंड तो यही हुआ ना कि भाई 11 सितंबर को हम बाहर जा रहे हैं, अब तालिबान के साथ डील हो या ना हो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो मतलब यूएस हैज शोन दैट इट हैज़ लॉस्ट इंटरेस्ट इन अफगानिस्तान पॉलिटिक्स, अब उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जैसे ही यूएस ने अपना इंटरेस्ट अफगानिस्तान पॉलिटिक्स से पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है, पाकिस्तान की जो स्ट्रैटेजिक डेप्थ थी, स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस थी, वो भी ख़त्म हो गई। तो जो पाकिस्तान दोनों ही साइड से, पाकिस्तान यूएस से और चाइना दोनों के बीच में हीरो बना हुआ था कि हाँ हाँ अफगानिस्तान के अंदर तो शांति हम ही ला सकते हैं, और दोनों को कैसे थोड़ा बार्गेनिंग करता था कि देखो, चाइना को इनडायरेक्टली कहता था कि हम प्रो यूएस गवर्नमेंट ला देंगे, यूएस को कहता था प्रो चाइना गवर्नमेंट ला देंगे। अब जब यूएस ने इंटरेस्ट दिखाना ख़त्म कर दिया तो नेचुरली पाकिस्तान का सिग्निफिकेंस ख़त्म। अब पाकिस्तान की दिक्कतें क्या होंगी? यूएस के लिए पाकिस्तान का कोई अब मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है, पाकिस्तान का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है अब यूएस के लिए। इकलौता सिग्निफिकेंस जो पाकिस्तान का था यूएस के लिए, दैट वाज अफगानिस्तान। नाउ दैट इंटरेस्ट इज आल्सो गॉन। तो अब पाकिस्तान की मजबूरी क्या होगी? उसको जाकर के चाइना से अलाइन करना होगा, क्योंकि अब यूएस से तो वो बार्गेन कर नहीं सकता, कोई फायदा ले नहीं सकता, तो चाइना से अलाइन करना होगा। और चाइना से दोस्ती करने का बड़ा नुकसान होता है। चाइना इज एन एक्सट्रैक्टिव पावर, ये टर्म को ध्यान रखना, एक्सट्रैक्टिव पावर, वो किसी का दोस्त नहीं है, सबका सबसे वो जितना ज़्यादा हो सके उतना पावर एक्सट्रैक्ट, इतना बेनिफिट एक्सट्रैक्ट करता है। याद करो हम्बन तोता पोर्ट, कैसे श्रीलंका से उसने छीन लिया फॉर 99 ईयर्स। तो अब पाकिस्तान के पास यूएस का कार्ड दिखाने का ऑप्शन नहीं है कि चाइना को यूएस कार्ड दिखा सके, वो उसको पूरी तरह से चाइना पर डिपेंड होना होगा, और अब चाइना इसको एक्सट्रैक्ट करेगा, एक्सप्लॉइट करेगा। सो दीज आर द चैलेंजेस दैट मे अराइज फॉर पाकिस्तान आफ्टर यूएस पुल्स आउट ऑफ अफगानिस्तान। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो पाकिस्तान अब फेस कर सकता है, और इंडिया को कुछ फायदे हो सकते हैं। जो पाकिस्तान का नुकसान होगा तो इंडिया का फायदा होगा। कैसे हो सकता है इंडिया का फायदा? देखिए, अब इंडिया अमेरिका पे एक तरह से प्रेशर बना सकता है, या अमेरिका के साथ कोऑर्डिनेशन कर सकता है कि पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाया जाए कि वो टेररिज्म को ख़त्म करे, क्योंकि अब अमेरिका को कोई इंटरेस्ट तो रहा नहीं पाकिस्तान में, कोई डायरेक्ट इंटरेस्ट तो रहा नहीं, लेकिन अमेरिका को इंडिया में इंटरेस्ट जरूर है, क्योंकि अमेरिका चाहता है इंडिया की मदद से वो चाइना को काउंटर करे, चाइना के राइज को कुछ हद तक लिमिट करे। तो अब इंडिया इसका फ़ायदा उठा सकता है, और वो यूएस के साथ कोऑर्डिनेशन डेवलप करके वो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बना सकता है कि अपने ग्राउंड पे टेररिज्म को ख़त्म कराओ, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं होने चाहिए। सो दिस इज़ हाउ इंडिया कैन बेनिफिट फ्रॉम द न्यू रिलेशंस अराइजिंग बिकॉज ऑफ यूएस पुल आउट फ्रॉम अफगानिस्तान। तो अभी तक तो हम बस यही पढ़ रहे थे कि देखिए अमेरिका चला जाएगा तो इंडिया की तकलीफें बढ़ जाएंगी, लेकिन अब इस आर्टिकल में एक अलग अच्छी बात बता दी है कि अगर इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी अच्छे से मैनेज करे तो इस सिचुएशन में फ़ायदा भी है, उठा सकते हैं। तो मुद्दा यह है कि इफ़ वंस यूएस पुल्स आउट ऑफ अफगानिस्तान, इट इज़ ए थ्रेट एज वेल एज अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। इट ऑल डिपेंड्स कि हाउ इंडिया फ्रेम्स इट्स फॉरेन पॉलिसी, किस तरीके से हम अगला अपना चाल चलते हैं इस पूरे सिनेरियो में, उस पर डिपेंड करेगा कि हमारी हमें फ़ायदा होता है या नुकसान। तो देखिए, इस तरह का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। वैसे भी अफगानिस्तान इस साल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस में, क्योंकि यूएस इज पुलिंग आउट ऑफ अफगानिस्तान। तो इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है, इन्यूमरेट चैलेंजेस अराइजिंग फॉर इंडिया आउट ऑफ यूएस पुल आउट फ्रॉम अफगानिस्तान। तो इंडिया के लिए क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं बिकॉज ऑफ यूएस पुल आउट फ्रॉम अफगानिस्तान। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ऑल्सो सजेस्ट व्हाट शुड बी इंडियाज अप्रोच टू टैकल द सिचुएशन। उसमें अब आप ये एक्स्ट्रा पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपसे सीधा सीधा नहीं पूछा है तब भी आप ये कुछ चीज़ें लिख सकते हैं कि इंडिया सिचुएशन का फायदा भी उठा सकता है। उससे एग्जामिनर को पता चलेगा कि ये स्टूडेंट जो है इसको इंट्रिकेट नॉलेज है आईआर का, और वो इंप्रेस होगा तो नेचुरली आपको थोड़े ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम नेशनल सेगमेंट, इट इज अबाउट नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस पेपर 3 इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में समझते हैं। ये एक स्टैचूटरी बॉडी है दैट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1993। स्टैचूटरी बॉडी मतलब एक ऐसी बॉडी जिसको किसी कानून के हिसाब से, एक लॉ के हिसाब से बनाया गया है, और ये लॉ जिसके हिसाब से स्टैचूटरी बॉडी बनाई गई है वो लॉ है ह्यूमन राइट्स एक्ट ऑफ 1993। और इस
जो बॉडी है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसका मेन पर्पस ही है कि हमारे देश में ह्यूमन राइट्स वायोलेशन को कुछ हद तक रोक सके। अब वो बात अलग है कि एग्जैक्टली ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं वो डिफाइंड नहीं है कहीं भी, बट फिर भी मोटा मोटा इनको काम दिया गया कि ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन को आप रोकें, और इसके लिए दे कैन टेक सुओ मोटो केस। मतलब अगर उनको कहीं भी लगता है कि कहीं पर भी ह्यूमन राइट्स वायोलेशन हुआ, जैसे हाल फिलहाल में उन्होंने देखा कि कुछ लोगों को, एक इंसान जो अपनी माँ की लाश को ऐसे ही लेकर के जा रहा था और कोई भी उसको सपोर्ट नहीं कर रहा था क्योंकि सबको डर था कि उसको कोरोना वायरस तो के कारण डेथ हुई होगी, तो ये सब ह्यूमन राइट्स वायोलेशन के केसेस को देख करके नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने वो केस खुद ही ले लिया था, सुओ मोटो खुद ही ले लिया था वो केस, किसी ने कंप्लेन नहीं किया। उसके अलावा कोई पेटिशन भी फाइल कर सकता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में कि सर मेरा ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है या इस पर्टिकुलर केस में ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वो केस ले सकता है। और दूसरा काम है ह्यूमन राइट्स कमीशन का कि वो अवेयरनेस क्रिएट करे हमारे देश के अंदर रिगार्डिंग ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन। अभी कंपोजिशन क्या है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के वो समझते हैं। तो टोटल नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अंदर 9 मेंबर होते हैं, 9 मेंबर्स। एक होते हैं चेयरपर्सन, जो चेयरपर्सन होने चाहिए ही शुड बी अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसके बाद जो बाकी 8 मेंबर होते हैं उसमें से एक मेंबर होता है ही शुड बी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एक्टिंग जज भी हो सकते हैं या रिटायर्ड जज भी हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के। जो दूसरा मेंबर होते हैं ही शुड बी अ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ही शुड बी अ एक्टिव चीफ जस्टिस और ए रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो पहला जो चेयरमैन है वो CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पहला मेंबर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दूसरा मेंबर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, बाकी के जो 2 मेंबर होते हैं दे शुड हैव अ नॉलेज इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स, और जो बचे हुए 4 मेंबर्स हैं दे आर नोन एज एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स का मतलब होता है कि दे आर होल्डिंग अ पोस्ट इन सम अदर डिपार्टमेंट और सम अदर एरिया, दैट इज वाई दे ऑटोमेटिकली गेट अ सीट हियर। कैसे वाइस प्रेसिडेंट ऑटोमेटिकली राज्यसभा के चेयरमैन हो जाते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, सिंस ही इज अ वाइस प्रेसिडेंट तो अपने आप राज्यसभा के चेयरमैन एक्स ऑफिशियो मेंबर। वैसे ही ये जो 4 लोग हैं, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के चेयरमैन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के चेयरमैन, ये सब लोग एक्स ऑफिशियो मेंबर हो जाते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के। तो टोटल 9 लोग हो गए, एक चेयरमैन और बाकी 8 मेंबर्स। और ये देखिए, ये जो 4 लोग हैं, ये जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं, ये इनके लिए तो कोई अपॉइंटमेंट प्रोसीजर है नहीं। आप अगर दे आर चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट तो अपने आप इसके मेंबर बन जाएंगे, लेकिन ये जो बाकी के 4 लोग हैं इनका अपॉइंटमेंट करना पड़ता है। और अपॉइंटमेंट का क्या प्रोसीजर है, तो अपॉइंटमेंट के लिए एक हाई पावर कमिटी बनाई जाती है, उस हाई पावर कमिटी के चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, और हाई पावर कमिटी रिकमेंड करती है प्रेसिडेंट को कि सर इन लोगों को मेंबर की तरह अपॉइंट कर दिया जाए या इस इंसान को चेयरमैन की तरह अपॉइंट कर दिया जाए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का। और जब प्रेसिडेंट को जब ये लोग रिकमेंड करते हैं हाई पावर कमिटी, तो उस रिकमेंडेशन के बेसिस पर प्रेसिडेंट जिन लोगों का भी रिकमेंडेशन आता है उसको अपॉइंट कर देते हैं एज ए मेंबर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, एज ए चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो भी रिकमेंडेशन हो उस हिसाब से। तो जरा देखिए हाई पावर कमिटी में कौन कौन से लोग होते हैं, तो देर आर टोटल 6 मेंबर्स इन हाई पावर कमिटी। प्राइम मिनिस्टर तो चेयरमैन होते ही हैं, उनके अलावा होम मिनिस्टर होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, और अगर लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में नहीं है तो फिर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के लीडर होंगे, उसके अलावा लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड डेप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये 6 लोग मिल करके ये हाई पावर कमेटी के मेंबर होते हैं, ये रिकमेंड करेंगे कि सर इन लोगों को नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का मेंबर या चेयरमैन अपॉइंट कर दिया जाए, और फिर उस रिकमेंडेशन के बेसिस पर प्रेसिडेंट उन लोगों को अपॉइंट कर देते हैं। करंट न्यूज़ काफ़ी सिंपल है, करंट न्यूज़ यही है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन को अपॉइंट किया गया है हाल फिलहाल में, जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो ये जो पैनल है हाई पावर कमिटी पैनल, इन्होंने रिकमेंड किया नाम जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा जी का, और उसके बेसिस पर जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा जी को अपॉइंट कर दिया गया, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन्होंने इनको अपॉइंट कर दिया गया है एज चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है, यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेगमेंट, इट इज अबाउट वीनस प्रोब ऑफ नासा, एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 4 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। तो क्या है ये न्यूज, पहले ये समझते हैं। तो देखिए नासा 2 प्रोब मिशन भेज रहा है वीनस प्लैनेट के लिए, मतलब वीनस को स्टडी करने के लिए 2 प्रोब मिशन भेजे जा रहे हैं नासा द्वारा, जो 2028 से 2030 तक के बीच में भेजे जाएंगे। पहला है दा विंची, DAVINCI+, दा विंची प्लस।
इसका काम क्या होगा, ये वीनस के अंदर का जो कॉम्पोजिशन है, अंदर का स्ट्रक्चर जो है उसको स्टडी करेगा, और वेरिटास दूसरा है, ये वीनस के सरफेस को स्टडी करेगा। और दोनों में, दोनों स्टडी से का पर्पस यही होगा कि वीनस किस तरह से बना है, कैसे इवॉल्व हुआ है, क्यों ये अर्थ से अलग है, ये सारी चीज़ें स्टडी की जाएंगी द विंची और वेरिटास द्वारा। अब वीनस से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं जो इस आर्टिकल में दिए हैं। तो वीनस इज नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ, तो सबसे नज़दीक अगर कोई प्लैनेट है तो वो है वीनस। देखो कभी कभार मरकरी सबसे नज़दीक आ जाता है, कभी कभार। आई होप आपको सोलर सिस्टम याद होगा, सन के बाद मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, वो याद होगा। तो कभी कभार मरकरी नज़दीक आ जाता है अर्थ के सबसे नज़दीक, लेकिन ज़्यादातर टाइम ये वीनस ही रहता है। देखिए ये मरकरी, फिर ये दूसरा है वीनस, और तीसरा अपना ये अर्थ, ये ब्लू कलर से। तो ज़्यादातर टाइम ये नज़दीक रहता है वीनस, लेकिन कभी कभार मरकरी भी हमारे नज़दीक आ जाता है। दूसरा, वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। वीनस सबसे गर्म प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। यहाँ पे स्टूडेंट्स को अक्सर डाउट होता है कि सर जब सबसे नज़दीक मरकरी है, उसके बाद है वीनस, सन के तुलना में अगर बात की जाए तो यहाँ सन है, उसके बाद मरकरी है पहला, फिर है वीनस, तो वीनस सबसे गर्म कैसे हो गया? सबसे गर्म तो मरकरी होना चाहिए। तो इसका जवाब भी समझिए, देखिए जो वीनस का जो एटमॉस्फेयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है। कार्बन डाइऑक्साइड एक तरह का ग्रीन हाउस गैस है, और ग्रीन हाउस गैस होने के कारण वीनस के सरफेस पे जो भी लाइट पड़ता है वो रिफ्लेक्ट जब होता है तो उसके एटमॉस्फेयर में ट्रैप होकर के रह जाता है। वीनस के सरफेस में एटमॉस्फेयर में ट्रैप होकर के रह जाता है, और इसी कारण से वीनस सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये दो प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखे हैं। यू कैन अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम असम सेगमेंट, इट इज अबाउट डॉक्टर लक्ष्मी नंदन बोरा। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस पेपर 6 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। तो लक्ष्मी नंदन बोरा जी क्यों न्यूज में हैं? क्योंकि इनकी कोविड पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस के कारण डेथ हुई है हाल फिलहाल में। इनका नाम आपने जरूर सुन रखा होगा, काफ़ी पॉपुलर फेमस असमीज लिटरेचरर हैं और लॉरेट हैं, असमीज लॉरेट। और इनके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ दे रखे हैं, हो सकता है चूंकि ये साल न्यूज में है तो इनसे रिलेटेड आने वाले एपीएससी में सवाल पूछ लिया जाए। तो इनकी पहली शॉर्ट स्टोरी थी भावना, पब्लिश्ड इन 1954, जो कि असमीज मैगजीन रामधेनु में पब्लिश हुई थी। हिज फर्स्ट बुक वॉज दृष्टि रूपा, दैट वॉज पब्लिश्ड इन 1958। हिज फर्स्ट नोबल वॉज गंगा सिलोनीर पाखी, दैट वॉज पब्लिश्ड इन 1963। इनके जो अवार्ड्स इनको मिले थे, साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1988, असम वैली लिटरेरी अवार्ड इन 2004, सरस्वती सम्मान इंस्टीट्यूटेड बाई के बिरला फाउंडेशन ही गॉट इट टू टाइम्स इन 2008 एंड 2012, पद्मश्री अवार्ड इन 2015। ही हैज़ बीन चेयरमैन ऑफ असम साहित्य सभा एज वेल। इन आर सेगमेंट मोस्ट प्रोबेबल प्रीलिम्स टॉपिक्स फॉर अपकमिंग यूपीएससी टुडे वी विल कवर टॉपिक नंबर 261 टू 265। टॉपिक नंबर 261 इज अबाउट सेवा भोज योजना। इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ध्यान देना, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इट इन्विसाइजेस टू रीइंबर्स सीजीएसटी एंड आईजीएसटी, जो मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स वाला पार्ट है जीएसटी के अंतर्गत, वो रीइंबर्स करा देती है टू द चैरिटेबल रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हु प्रोवाइड फूड, प्रसाद, लंगर, भंडारा फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन टू पब्लिक डिवोटीज। तो जो भी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लेती है, वो इस तरह के इंस्टीट्यूशंस को, जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको फिर वो पैसा रीइंबर्स कर दिया जाता है अंडर सेवा भोज योजना। दिस इज बीइंग रन बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 261। टॉपिक नंबर 262 इज अबाउट मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति। तो रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन हैज़ फॉर्मली लॉन्च्ड मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति, और द मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति एम्स टू प्रोवाइड अ बूस्ट टू आईपीआर कल्चर इन द इंडिजिनस डिफेंस इंडस्ट्री। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ क्वालिटी इंश्योरेंस हैज़ बीन इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेटिंग एंड इंप्लीमेंटिंग द प्रोग्राम। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 262। टॉपिक नंबर 263 इज अबाउट पावर स्कीम। सो पावर स्कीम इज फॉर प्रमोटिंग वुमेन साइंटिस्ट। पावर का फुल फॉर्म यह, प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर वीमेन इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। इट इज अ स्कीम टू मिटिगेट जेंडर डिस्पैरिटी इन साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च फंडिंग इन वेरियस साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम। दिस इज बीइंग लॉन्च्ड बाय साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, विच इज अ स्टैचुटरी बॉडी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 263। टॉपिक नंबर 264 इज अबाउट ग्लोबल काउंटर टेररिज्म फोरम। इट वॉज लॉन्च्ड इन 2011 एज अ पॉलिटिकल मल्टीलेटरल काउंटर टेररिज्म प्लेटफॉर्म दैट हैज स्ट्रेंथेंड द इंटरनेशनल
आर्किटेक्चर फॉर एड्रेसिंग 21st सेंचुरी टेररिज्म। इसके 30 मेंबर है। अब 300 के 300 मेंबर का तो नाम याद नहीं कर सकते, लेकिन इतना याद रखो कि इसका मेंबर इंडिया भी है और पाकिस्तान भी है। दीज आर फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ दिस ग्लोबल काउंटर टेररिज्म फोरम। अब पाकिस्तान का नाम देखिए आपको हंसी आएगी कि ये पाकिस्तान ने ग्लोबल काउंटर टेररिज्म फोरम का फाउंडिंग मेंबर है। टेररिज्म को रोकने के लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 264। टॉपिक नंबर 265 इज अबाउट गांधी किंग स्कॉलरली एक्सचेंज इनिशिएटिव एक्ट। तो अमेरिका में ये कानून पास किया गया है ताकि महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग की लीगेसीज के बारे में स्टूडेंट्स को बताया जा सके। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 265। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 256 टू 260 दैट वी आर गिवन इन यस्टरडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस। टुडेज क्वेश्चन कैन बी अटेम्प्टेड बाय स्टूडेंट्स एंड कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। विल बी शेयरिंग आंसर ऑफ दीज क्वेश्चन इन टुमारोज न्यूज़पेपर एनालिसिस। कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। कोल इज अ क्लीनर सोर्स ऑफ फ्यूल एज कंपेयर्ड टू कोक। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। कोल इज ऑफ डार्क ब्लैक कलर वाइल कोक इज ऑफ डल ब्लैक कलर। एब्सोल्युटली करेक्ट। कोक इज कन्वर्टेड इनटू कोल थ्रू डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। अगेन ये रॉन्ग है, लेकिन सवाल पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी 1 and 2 ओनली। सेकंड क्वेश्चन इज रिसेंटली कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ मास मीडिया वाज साइंड अंडर SCO। तीसरा सवाल था रिगार्डिंग मॉडल टेनेसी लॉ। द लॉ टेंड्स टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इन द प्रोसेस ऑफ रेंडिंग। एब्सोल्युटली करेक्ट। द लॉ वॉज रिसेंटली पास्ड बाय यूनियन पार्लियामेंट। रॉन्ग। ये मॉडल लॉ है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने खाली बनाया है इसको और स्टेट्स को दिया है अपने अपने लेजिस्लेटिव असेंबली में पास करने के लिए। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए 1 ओनली। चौथा था रिगार्डिंग फ्यूजन रिएक्शन एंड फिजन रिएक्शन। द फ्यूजन प्रोड्यूसेस मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू फिजन। एब्सोल्युटली करेक्ट। फिजन रिएक्शन इज सेफ लेस एक्सीडेंट प्रोन एज कम्पेयर टू फ्यूजन। दिस इज रॉन्ग। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए 1 ओनली। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।